फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं जैना ज्वेलर्स आबुलन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। कोटा में आयोजित दशहरा मेले में नौजवान लड़कों ने अपनी मस्ती में मदमस्त होकर ऐसी हरकत को अंजाम दिया कि वो भूल गए कि मेले में आए लोगों से किस तरह से पेश आना है। मेले में भोंपू नामक एक खिलौना खरीदकर इन लड़कों ने बच्चों और महिलाओं के कानों में उसको बजाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर वहां की पुलिस ने उनके साथ क्या किया वो देखना बेहद जरूरी है। जब कभी भी त्योहार आता है तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड बच्चे और महिलाएं दिखाई देते हैं। त्योहारों पर सबसे खास होता है शहर में लगने वाला मेला। हाल ही में दशहरा मेला काफी धूमधाम से मना। देश भर में कई जगह मेलों का आयोजन हुआ और भारी संख्या में बच्चों बड़ों महिलाओं ने मेले की रौनक का लुत्फ उठाया। मेले में सबसे ज्यादा आकर्षक भीड़ दिखाई पड़ती है खाने पीने के स्टॉल्स या फिर बच्चों के झूलने के झूलों पर। इसके अलावा इस तरह की मनभावन चीजें मेले में बच्चों का दिल मोह लेती हैं और आंखें वहीं पर अटक जाती हैं। कई बार बड़े भी अपने आप को बच्चा समझने लगते हैं और इन चीजों को खरीद लेते हैं, लेकिन मेले में सबसे ज्यादा डर रहता है इस बात का कि कहीं मेले में किसी तरह की कोई घटना या फिर कोई छेड़खानी ना हो जाए, लेकिन इसी के लिए वहां पर तैनात की जाती है पुलिस। कोटा शहर में लगे दशहरा मेले में ये घटना आखिरकार हो ही गई। दरअसल कुछ नौजवान लड़कों ने मेले से एक भोंपू कहलाने वाली एक चीज खरीदी और उसे बजाकर बच्चों और महिलाओं को परेशान करना शुरू कर दिया। ये लड़के अपनी मस्ती में इतने मदमस्त हो गए कि उन्हें तनिक एहसास नहीं हुआ कि ये अपने मजे के लिए कैसे मेले में आए लोगों को परेशान कर रहे हैं। लड़कों को ये हरकत करते देख वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने इन्हें सबक सिखाने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला। जी हाँ, पुलिस कर्मियों ने इन लड़कों को ना तो मारा ना उनके साथ कोई बदसलूकी की, बल्कि जिस यंत्र या खिलौने की आवाज से वो लोगों को परेशान कर रहे थे उसे उन्हीं के कानों में जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। ऐसा करके पुलिस कर्मियों ने उन लड़कों को यह एहसास दिलाया कि जब किसी के साथ इस तरीके का सुलूक किया जाता है तो खुद कैसा महसूस होता है। खैर, कोटा पुलिस की काफी तारीफ की जा रही है। सोशल मीडिया पे ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है और लोग लगातार कोटा पुलिस की सराहना कर रहे हैं कि इस तरीके से लोगों को जो उन्होंने सबक सिखाया है वो जैसे कुत्ते ऐसे वाली कहावत को सिद्ध करता है। तो फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, फिर से लौटेंगे ऐसी ही और इंटरेस्टिंग खबरों को लेकर। नमस्कार।